हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 9th of June करंट अफेयर। स्वागत है आप सबका 9 जून के करंट अफेयर्स में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हमारे सामने टॉपिक है हवाई माउंट किलाउआ वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड अगेन। अगेन देखिए, यानी कि क्या हो गया, दोबारा क्या हो गया, अगेन इरप्शन हुआ, इसमें विस्फोट हो गया। नाम क्या है इसका, माउंट किलाउआ वॉल्केनो। ये कहाँ पे लोकेटेड है, हवाई में। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ बता देना चाहता हूँ, एक सेकेंड जी। इट इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड डेंजरस ऑफ ऑल 5 वॉल्केनोज इन हवाई। इससे हमें यह पता चला कि हवाई में टोटल नंबर ऑफ वॉल्केनोज 5, और उन 5 में से सबसे मोस्ट डेंजरस कौन है ये। अभी मैं आपको पांचों वॉल्केनो के नाम भी बताऊंगा और दिखाऊंगा हवाई के एक्चुअल लोकेशन क्या है, लेकिन अभी के लिए करंट न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, ये विस्फोट है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके सामने माउंट किलाउआ। तो आप देखिए कितना भयंकर ये विस्फोट है, यहाँ आप देख सकते हैं इस विस्फोट को, बेसिकली जो डैमेज वगैरह हुआ है। यहाँ देखते हैं, इट हैज़ कोलैप्स्ड एंड ऑल्सो क्रिएटेड अ कैल्डेरा। अच्छा, कैल्डेरा क्या होता है, मैं 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा। कैल्डेरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाता है क्लियरिफाई ना हो रहा हो, ये देखिए ये एक कैल्डेरा है आपके सामने। हुआ क्या होगा, देखिए ये एक वॉल्केनो था, ये वॉल्केनो में इरप्शन हुआ। जब ये वॉल्केनो में इरप्शन हुआ तो इस इरप्शन के कारण ये नीचे की तरफ धस गया, जो वॉल्केनो है वो नीचे की तरफ धस गया। जब इसका इरप्शन खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, पानी भर गया होगा। अब ये पानी भर गया होगा तो इसको ही क्या बोलते हैं, हमें कैल्डेरा बोलते हैं। क्या बुलाते हैं, कैल्डेरा बुलाते हैं। तो एक बड़ा सा क्रेटर बना, क्रेटर में पानी भरा तो क्या बन गया, कैल्डेरा बन गया। तो देखिए ये कहा गया कि यहाँ पे भी कोलैप्शन देखने को मिला, यानी कोलैप्स हुआ, और अंत में इसने भी क्या बनाया, कैल्डेरा बनाया। एक कैल्डेरा बाद में ज्वालामुखी से ठंडा हो जाता है, तो आप ये कैल्डेरा देख सकते हैं। देखिए बादल आते रहे ऊपर, अंदर पानी भरा है, कभी ये एक वॉल्केनो था, अभी क्या, अभी भी ये वॉल्केनो ही है, लेकिन अभी के समय क्या है, ये इरप्ट नहीं हुआ है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो अभी अभी विस्फोट हुआ है। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर आपको हवाई की लोकेशन दिखा देता हूँ। सॉरी, देखिए ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में लोकेट कीजिए आपका इंडिया क्या है, इंडिया कहाँ है, हमारा इंडिया ये रहा, हमारा प्यारा भारत ये। तो इंडिया से हम देखिए यहाँ वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे आ गए कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को पूरा पार करते हुए। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ आएँ तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, हवाई दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहा हवाई। अब ये जो हवाइन आइसलैंड है, ये जो हवाइयन आइलैंड्स हैं, ये देखिए ये पूरे 5 बड़े बड़े वॉल्केनो से मिलके ही बने हुए हैं। देखिए ये रहे वो 5 वॉल्केनो के नाम आपके सामने, माउंट लोआ, मोना लोआ, किलाउआ, देखिए ये इसी में अभी विस्फोट हुआ है, इसी के हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वालियाई, मुआना किया और कोहाला। तो ये 5 वॉल्केनोज हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला है वो कौन सा है आपके सामने, ये रहा मोना लोआ, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माउंट किया, इसके बाद आप देखेंगे किलाउआ, फिर आप देखेंगे तो ये हुलाईलाई, और फिर आप देखेंगे कोआला। इन सबको मिला के हमारा क्या बना है, हवाइयन आइलैंड बना हुआ है। और ये रहा ये मैप में, तो क्या आप लोकेट कर सकते हैं, ये रहा हमारा प्यारा महान भारत, ये रहा हमारा महान भारत, ये महान भारत से वेस्ट की तरफ गए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को पार करते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आया, ये अलास्का है उसी का पार्ट है, यह आप देखिए नीचे की तरफ ये हवाई है। ठीक, इतनी न्यूज़ आपने जान ली, इतनी चीज़ें आपने समझ ली। चलिए अब मैं आपको कुछ और बहुत बेहतरीन चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। देखिए भले आज मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर का वीडियो लाने में लेट कर दिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए आज बेस्ट से भी बेस्ट ढूंढ के लाया हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे कुछ और वॉल्केनोज जो हाल ही में न्यूज़ में थे, थोड़ी उनकी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज है, न्यूज़ में भी है ये, अदर वॉल्केनोज एक है आपके सामने संगे वॉल्केनो, ये इक्वेडोर के पास, ये सारी कंट्रीज है जो नीचे लिखी है। तो एक है संगे वॉल्केनो, ये देख सकते हैं ये आपके सामने संगे वॉल्केनो है। दूसरा है ताल वॉल्केनो, ये ताल वॉल्केनो कहाँ है, फिलीपींस के पास है, ये रहा आपके पास फिलीपींस के पास का ये ताल वॉल्केनो। देखिए कितना इरप्टिव वॉल्केनो लग रहा है, धमाके हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें एक काम की चीज़ देखनी है, बैरन आइसलैंड अंडमान आइसलैंड आइलैंड के पास है। तो ये बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान आइलैंड के पास है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा आइलैंड लग रहा है, लेकिन इनहैबिटेबल है, यहाँ पे ह्यूमन नहीं रहते। हालांकि कुछ गोट्स, शीप्स और कुछ अदर एनिमल्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये इनहैबिटेबल है ह्यूमन में, क्योंकि यहाँ की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही वर्स्ट है। देखिए यहाँ पे अभी भी धुआं निकल रहा है, कब फट जाए कोई भरोसा नहीं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी आपको मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए ये इंडिया है, पता है बैरन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो हमारे कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई लोगों को शायद बैरन आइलैंड के बारे में ना भी पता हो, तो आज जान लीजिए कि यह बैरन आइलैंड हमारे इंडिया का क्या है, एक एक्टिव वॉल्केनो साइट है, एक्टिव वॉल्केनो साइट है बैरन आइलैंड। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक इमेज दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जरा इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये हमारा महान भारत, ये महान भारत के बगल में आप देखेंगे तो आपको अंडमान आइलैंड्स दिख रहे हैं। ये देखिए ये अंडमान आइलैंड्स है, अंडमान आइलैंड से थोड़ा सा दूर आप जाएंगे, देखिए थोड़ा सा दूर, तो अंडमान आइलैंड्स में थोड़ा सा दूर जाके देखें तो यहाँ पे आपको ये रहा बैरन आइलैंड। तो ये देखिए ये रहा आपके पास बैरन आइलैंड, बेसिकली बैरन आइलैंड का ऊपर का दिखाया हुआ है, पीछे वाला मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया था, कितना खूबसूरत से ये आइलैंड आपके सामने ये दिख रहा है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, एकदम आसान सी चीज़ है, मैंने आराम आराम से बताई क्या क्या है। आइए अगले टॉपिक बात करते हैं।
सॉरी देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आ गया आपके सामने। आर बी आई होल्ड्स रेट्स वोज टू कीप प्राइस स्टेबिलिटी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ जो रेट की बात कर रहा है वो रेपो रेट की बात कर रहा है कि आरबीआई ने क्या किया है, अपने रेपो रेट को वही पुराना वाला ही कायम रखा है। यहाँ लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कीप्स द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। अब देखिए एक ऑनलाइन दिया हुआ है, पहले मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको आराम से समझा दूंगा। क्या लिखा है, जस्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट का जस्ट उल्टा क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, सबसे पहले मैं देखता हूँ रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। इसके लिए देखिए मैंने दो डेफिनेशन लिखे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहले देखिए चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, फिर आपको आराम से समझा दूंगा, बहुत आसान है, आप तुरंत चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, रेपो रेट द इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द बैंक। RBI जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को पैसा देता है वो रेपो रेट है, ठीक है। और जस्ट इसका आप उल्टा कर देंगे, द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI बोरोज मनी, लेता है पैसा बैंकों से, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अच्छा देखिए मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ, अब तक मैंने जो ये कहा, अगर आप अभी तक कुछ नहीं समझे दरअसल मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ये रहा आपके सामने, ये रहा RBI, स्टेट बैंक है हमारा, तो ये रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक, आपका ये रहा RBI। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC LTD बैंक, तो आप इसमें कुछ भी लिख लीजिए, HDFC वगैरह कोई भी बैंक ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, RBI ने पैसा दिया किसको, हमारे कमर्शियल बैंक को। तो RBI पहले पैसा दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को। अब जब RBI पैसा दे रहा है, जाहिर सी बात है, तो बैंक पैसा ले रहा है तो कुछ गिरवी भी रखेगा। तो गिरवी इसने क्या रख दिया, जो हमारे कमर्शियल बैंक है उसने रखा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो यहाँ देखिए जैसे दिया हुआ है कि RBI ने, एक सेकेंड, कौन सा कलर, ये ठीक है, RBI ने 1 करोड़ रुपये बैंक को दिया, कमर्शियल बैंक को दिया, हमारे सेंट्रल बैंक ने 1 करोड़ रुपये कमर्शियल बैंक को दिया, और बदले में कमर्शियल बैंक ने 1 करोड़ रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको दे दी, RBI को दे दी, ठीक है। अब जो हमारा RBI है, जब देखिए जाहिर सी बात है कि अब मान लीजिए कमर्शियल बैंक वापस अपना पैसा जब लेना चाहेगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस लेना चाहेगा, तो वो क्या करेगा कि ये 1 करोड़ रुपये जो है, जो हमारा कमर्शियल बैंक है, वो RBI को देगा प्लस कुछ इंटरेस्ट रेट जोड़ के देगा। तो देखिए 1 करोड़ प्लस 1,096 रुपये, मान लीजिए ये इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट मिला के इसने किसको दिया, RBI को दिया। RBI को जैसे उसका पैसा मिला, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लौटा दिया। तो मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पे RBI कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है कि इस बैंक, जो हमारा कमर्शियल बैंक है, उसके पास पैसा आ गया सरप्लस में, सरप्लस में मतलब बहुत ज़्यादा। तो अगर अब इसके पास सरप्लस में पैसा आ गया तो ये अब RBI को पैसा दे रहा है। देखिए ये अब RBI को क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर ये RBI को पैसा दे रहा है तो RBI इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है। भाई हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आपको तो बदले में कुछ चाहिए। तो RBI इसको क्या दे रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है, बदले में ये RBI को सरप्लस है, तो ये क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। अब एक समय क्या आएगा कि बस इसको रिटर्न करने वाली पूरी कहानी आ जाएगी कि अब RBI, तो देखिए RBI अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस लेने के लिए कमर्शियल बैंक से अब उसका पैसा उसको लौटाएगा, और जब पैसा लौटाएगा तो वो भी कुछ इंटरेस्ट रेट पे करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से क्या होगा, कम होगा। रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट हमेशा रेपो रेट के इंटरेस्ट रेट से कम होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, रेपो रेट जो होता है इसी से हमारा RBI क्या कंट्रोल करता है, या लिख रहा हूँ, क्या कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखिए इसी से हमारा RBI क्या कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरी एक बॉडी बनी हुई है, इसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये हमारे पास, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से जानी जाती है, जिसको हम अगले उसमें देखेंगे। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, समझ गए होंगे कि। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि RBI अगर इस कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है तो जाहिर सी बात है ये लौटाएगा उसको, लौटाएगा तो जाहिर सी बात है जब लौटाएगा तो कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए कि अब कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है तो RBI जब इसको वापस पैसा लौटाएगा तो वो कुछ इंटरेस्ट देगा। तो जाहिर सी बात है इधर वाले कंडीशन को पहले को बोल रहे हैं रेपो रेट, इधर वाले को क्या बोल रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या अंतर है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए बात कर रहे थे हम लोग इसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये रहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यही क्या कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, महंगाई। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे इन चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। दिस कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ RBI एक्ट 1934। यानी कि इस कमेटी को RBI एक्ट 1934
के दौरान सेक्शन 45ZB में बनाया गया। देखिए जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, दिस कमिटी डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट, ये इन्फ्लेशन टारगेट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, जो हमारा 4 ± 2 है, ठीक। तो इसको क्या करता है, इसको रेगुलेट करने में मदद करता है कि महंगाई एक लिमिट से ज़्यादा भी नहीं जानी चाहिए और एक लिमिट से कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही इन्फ्लेशन की वजह से ये चीज़ें क्या होती हैं, कंट्रोल में रहती है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ बातें बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए, इट्स डिसीजन इज़ बाइंडिंग टू ऑल कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है उससे इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन मानना ही मानना पड़ता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या क्या होता है, तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ RBI। यहाँ पर इसका कंपोजिशन देखेंगे, 6 मेंबर का कंपोजिशन है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये क्या होता है, इसमें 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चुने हुए, केंद्र सरकार के द्वारा चुने हुए मेंबर होते हैं और 3 RBI के द्वारा होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो गवर्नर होता है, दूसरा जो होता है वो आपका डिप्यूटी गवर्नर होता है और तीसरा एक ऑफिसर होता है RBI का, ठीक। तो ये सोच से ये बनता है। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा एकदम हल्का सा बात बता देता हूँ इन्फ्लेशन के बारे में, क्योंकि चीज़ें हैं थोड़ा सा। अच्छा देखिए, मैंने ये बताया कि अभी एक चीज़ को बस ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अगर RBI रेपो रेट को बढ़ा देती है, अगर RBI रेपो रेट को बढ़ा देती है, रेपो रेट वो रेट जिस पे RBI बैंक से अपना इंटरेस्ट ले रही है, जो पैसा वापस दे रही है बैंक, कितना इंटरेस्ट लगा रही है, इंटरेस्ट लगा के RBI को वापस कर रही है, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट से क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है, महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। अब रेपो रेट से कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि नहीं सर, आप मुझे इन्फ्लेशन और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएं, मैं उसमें ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। बस ये आप समझिए कि रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। आइए अगले टॉपिक पर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और इसी टॉपिक के ऊपर आप देखेंगे हमारा आज का थंबनेल है। और यहाँ पे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम दिखा देता हूँ, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम, ये देखिए अग्नि प्राइम, ये रहा आपके सामने अग्नि प्राइम मिसाइल, ये अग्नि प्राइम मिसाइल को क्या किया गया है, एकदम सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग हुई है। कहाँ टेस्टिंग हुई है, देखिए ये यहाँ पे हमें चीज़ें देखनी है, सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ अग्नि प्राइम मिसाइल, सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ अग्नि प्राइम मिसाइल अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा इस पूरे इंडिया में, वर्ल्ड का तो नहीं, कौन है? तो हमारे सर APJ अब्दुल कलाम, जो 11th प्रेसिडेंट की तरह भी हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी थे और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन, जिनको फादर ऑफ DRDO, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और काफ़ी सारी चीज़ें, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, और 4 सितंबर 2015 द आइलैंड वॉज रीनेम टू ऑनर द लेट इंडियन 11th प्रेसिडेंट। देखिए काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे जिनको इनका पूरा नाम ही नहीं पता है, तो आज मैं उनको इनका पूरा नाम बता देता हूँ, अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही चैस्मेटिक पर्सनालिटी, बहुत ही बुद्धिजीवी और कह सकते हैं ब्रिलियंट जीनियस, एक जीनियस थे ये। देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे, इनके बिना शायद हम मिसाइल पावर को कभी अचीव भी नहीं कर पाते, या बहुत टाइम लग जाता हमें मिसाइल पावर अचीव करने पे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस स्लाइड को अगर आप ध्यान सुन लेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। टाइप्स ऑफ मिसाइल, कैसे कैसे मिसाइल है भाई DRDO के पास, तो ये देखिए ये रहा DRDO, DRDO को फुल फॉर्म मैंने बता दिया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये अग्नि है, अग्नि के 5 तरीके के मिसाइल हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। सबका अलग अलग रेंज, आप देखिए अग्नि 1 700 किलोमीटर का रेंज था, अग्नि 1 700 किलोमीटर की रेंज थी, अग्नि 1 700 किलोमीटर की रेंज थी, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000, अग्नि 4 3200 और अग्नि 5 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कैसे कैसे मिसाइल है, तो एक है अग्नि जिसके बारे में बात हो रही थी, ये क्या है, मीडियम रेंज, मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल।
इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब क्या है, देखिए अग्नि इतना पावरफुल मिसाइल है कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जाके क्या कर सकता है, सक्सेसफुल हिटिंग कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है कि देखिए ये यहाँ से हमने इसको लॉन्च किया, मान लीजिए ये लॉन्च होकर ऐसे आई, ये अपने ऊपर की तरफ गया, ये एक ऊपर की तरफ जाते हुए अपनी ट्रेजिडरी को फॉलो करेगा और नीचे की तरफ आके इम्पैक्ट कर देगा। बहुत ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट हो गया, देखिए इम्पैक्ट कर देगा डायरेक्ट जहाँ इसका टारगेट पॉइंट होगा। अब देखिए कुछ और चीज़ें बिल्कुल है, देखिए तो सबसे पहले हमारे पास अग्नि है, फिर नाग, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मोस मिसाइल, रुस्तम, एक है पिनाका, एक है रुद्रम, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो एक तो मैंने आपको अग्नि के बारे में बता दिया, अब बाकियों के बारे में बता देता हूँ। नाग क्या है, लैंड अटैक वर्जन, भैया ये सेम काम है लेकिन ये ज़मीन काउंटर करेगा, ज़मीन पर आने वाले चीज़ों को, एनिमीज को, मिसाइल्स को काउंटर करेगा। दूसरा त्रिशूल क्या है, ये शॉर्ट रेंज है सरफेस टू एयर मिसाइल, देखिए अग्नि तो इंटरकॉन्टिनेंटल है ना, लेकिन त्रिशूल जो है वो क्या है, शॉर्ट रेंज है। आकाश क्या है, मीडियम रेंज है सरफेस टू एयर मिसाइल, सेम है लेकिन त्रिशूल से ज़्यादा इसका रेंज है। पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस ही जाएगा और क्या करेगा, शॉर्ट रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक समझ जाइए बहुत ज़्यादा फास्ट, तो सुपरसोनिक यहाँ पे क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। रुस्तम क्या है, लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैंड एयर व्हीकल, अनमैंड एयर व्हीकल यानी कि क्या होता है, यहाँ इस व्हीकल में कोई भी आदमी नहीं बैठा रहेगा और ये लंबे समय तक काम कर सकता है। और क्या हमारे पास रुद्रम है, रुद्रम क्या है, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये रुद्रम हमारे पास। एक पिनाका है, ये पिनाका क्या कर सकता है, मल्टीपल रॉकेट्स एक बार में छोड़ सकता है। होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि चीज़ें क्या हैं कैसे। अगला स्लाइड देखते हैं, देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे चर्चा हो रही है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप बोलेंगे सर 5th of June को ही, 5th of June को ही बीत गया, लेकिन इसके बारे में न्यूज़ आई थी तो मैंने सोचा कवर कर दे। देखिए सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डीकम्पोज, एक प्लास्टिक के कप को डीकम्पोज होने में 50 साल लग जाते हैं। एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो लगभग हम लोग कितनी बार यूज़ किए होंगे, जब आप लोग मान लीजिए बेसिकली पिज्ज़ा खाने गए होंगे, उसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक मिलती होगी, बर्गर खाते हैं, मैक डी, अलग अलग जगह हम लोग जाते हैं, तो देखिए कितने स्ट्रॉज होते हैं। सोचिए इतने सारे स्ट्रॉज जो है उसको डिकम्पोज होने में प्लास्टिक के स्ट्रॉज जो है 200 साल लग जा रहे हैं। प्लास्टिक बैग 10 से 20 साल ले रहा है। 6-pack होल्डर्स जो होते हैं बेसिकली 400 साल बाद। प्लास्टिक बॉटल्स देखिए कितने प्लास्टिक बॉटल्स हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 450 साल लग जा रहा है इसको क्या होने में, डिकम्पोज होने में। अब देखिए इससे हमें समझ में आता है कि हम कितनी तेज़ी से ओशियन को, ओशियन वाटर को, और हर जगह ओशियन वाटर क्यों मैं कहूँगा कि हर जगह हम लोग जिस हिसाब से पोल्यूशन फैला रहे हैं, खासकर प्लास्टिक पोल्यूशन, जिसका कोई अभी बहुत बेहतरीन समाधान हमें नहीं दिख रहा है। ये देखिए आइए अब बात करते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात कर रहे थे। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई यू एन असेंबली एट द फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑन 5th of June 1972। तो बस ये कहा गया कि यूएन असेंबली के पहले दिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इसको क्या किया गया था कि 5 जून 1972 को जो ह्यूमन एनवायरनमेंट के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो बात चल रही थी उसमें इसका बेसिकली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने की बात कही गई थी, और तब से इसको सेलिब्रेट किया भी जाता है। इट इज़ होस्टेड बाई डिफरेंट कंट्री ईच ईयर, हर साल इसको अलग अलग कंट्री होस्ट करती है एक अलग थीम के साथ। 2018 में 45th सेलिब्रेशन था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के 45th सेलिब्रेशन पे हमारा थीम क्या था, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। और प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ना क्यों ज़रूरी है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया है कि देखिए इतना इतना लंबा लंबा समय लग जा रहा है चीज़ों को डीकम्पोज होने में इस साल का। लेकिन हमें देखना, ये तो 2018 की बात कर रही है, तो 2018 की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस साल का देखेंगे तो इस ईयर इसको होस्ट किया जा रहा है कोटी डी एवरे की तरह। ये कंट्री है, ये कॉट डी एवरी एक कंट्री है, लेकिन इंडिया का ही सेम थीम उठा लिया इन्होंने कि किस तरीके से बायो जो प्लास्टिक है बेसिकली, सॉरी बायो प्लास्टिक बोलो, जो बेसिकली प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको हम कैसे डील करेंगे, उसके सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पे ये कोट डिवरी बात कर रही है। ये अफ्रीका का एक देश है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्फेसिस टॉपिक का नाम है, तो आप जानते हैं वही पुरानी कहानी, ड्यूरिंग द 4 days विजिट ऑफ नेपाल PM इंडिया वॉज ऑफ 4 दिन के, ये जो इनके प्रचंड प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड आए थे इंडिया के टूर पे, तो आप ये देख सकते हैं कि टूर पे क्या ये कह सकते हैं, बहुत सारी डिप्लोमेटिक बातें हुई थी, जहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड डेवलपमेंट के ऊपर बातें हुई थी दोनों कंट्री में। पावर सेक्टर में क्या क्या बात हुई देख लेते हैं जल्दी से। पावर सेक्टर में देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। इस लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि जो इंडिया है वो 10,000 मेगावाट
इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा किससे, नेपाल से। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी साइन किए गए हैं, MOU साइन हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे। एक फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, एक आपका लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। मैंने यहाँ लिखा नहीं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस सुन लीजिए कि हाँ चीज़ें। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे देखिए रेल लिंक एंड इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स, यहाँ पे बातें हुई इनके बारे में। देखिए नेपाल जो है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जीके इन्फॉर्मेशन है। नेपाल जो है वो बॉर्डर शेयर करता है 5 स्टेट्स के इंडिया से, कौन कौन? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। याद रखिएगा किसके किसके साथ शेयर करता है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। अब अगर कई लोगों को ये नहीं पता कि नेपाल की लोकेशन कहाँ है, तो मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। बहुत ज़्यादा क्लियर डायग्राम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इतना बता सकता हूँ कि ये इंडिया, इंडिया को तो सब लोग जानते होंगे, इंडिया के ऊपर वाले हिस्से पे ये आपको क्या दिख रहा है, ये रहा आपके सामने नेपाल, ये नेपाल है दोस्तों, ये बांग्लादेश है। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये कौन सी कंट्री है कमेंट में बताइएगा, इस कंट्री का नाम बताइए, इस कंट्री का नाम बताइए। मैं आपको ये बता सकता हूँ ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमें जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बताइए कौन सी कंट्री है ये, आइए सबसे पहले अब मैं जो बात कर रहा था वो देखते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट है बिल्कुल हमारे साथ। अब देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट में सबसे पहले हुआ क्या था, आप अगर मेरा 2 जून का करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे तो उसमें न्यू पार्लियामेंट के इनोग्रेशन के बारे में मैंने बात की है, जिसमें मैंने एक सवाल भी पूछा था, उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। और उसी में मैंने इस बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बताया था कि न्यू पार्लियामेंट में अखंड भारत का जो वो पूरा एक बनाया गया आर्किटेक्ट बनाया गया है बेसिकली, वो मौर्यन एम्पायर को वैसे दिखा रहा है, आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छे से बात की है। लेकिन यहाँ पे नेपाल भी इस तरीके की हरकतें करके बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या किया कि नेपाल ने लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक की जगहें अपने मैप में दिखा दिए। ये देखिए ये वो तीनों जगह है, ये नेपाल है, ये देखिए ये काला पानी है, ये लिपू लेक है, काला पानी के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये लिम्पियाधुरा है और ये चाइना है। तो देखिए चाइना क्या कर रहा है, नेपाल को सपोर्ट कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का यही काम ही है कि भैया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओ, चीज़ें बनाओ, उसको खूब पैसा दो, और जब वो पैसा ना चुका पाए तो फिर बाद में उसके ऊपर अपना लीज लेके उस कंट्री से उस चीज़ के उस एरिया को 100 सालों के लिए, 150 सालों के लिए, या कभी कभी परमानेंटली क्या कर लो, हथिया लो। ठीक है, यहाँ पे आप एक कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 32,000 गोरखा सोल्जर्स फ्रॉम नेपाल आर सर्विंग इंडियन आर्मी, बहुत अच्छी बात है। 32,000 गोरखा सोल्जर जो हैं वो क्या करते हैं, इंडियन आर्मी को सर्व करेंगे। गोरखा सोल्जर्स की भी अपनी एक अलग कहानी है, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही इनके पास बहुत ही बेहतरीन मिलिट्री स्किल्स होती है जो गोरखा सोल्जर्स होते हैं। अच्छा ये कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात कर लेते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है देना, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट का मतलब होता है देना, इम्पोर्ट का मतलब होता है लेना, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है लेना। तो इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, $8 बिलियन गुड्स नेपाल को एक्सपोर्ट करता है, और हम इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं, $840 मिलियन का, यानी हमारा एक्सपोर्ट। याद रखिए अगर आपका एक्सपोर्ट हाई है इम्पोर्ट से तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इम्पोर्ट कम कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हुए चीज़ें बताई हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।